नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। सपा के पूर्व सांसद रिजवान जहीर की कोठी समेत 3 करोड़ की संपत्ति को कुर्क करने का प्रशासन ने नोटिस चस्पा कर दिया है। ये कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई है। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। बलरामपुर जिले के तुलसीपुर पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष फिरोज पप्पू की हत्या के मामले में बेटी और दामाद के साथ जेल में बंद सपा के नेता और पूर्व सांसद रिजवान जहीर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 4 जनवरी को पूर्व चेयरमैन की हत्या के बाद पूर्व सांसद समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अब रिजवान जहीर के संपत्ति को कुर्क किया गया है। गुरुवार को पुलिस और राजस्व विभाग की टीम तुलसीपुर कस्बे में सटे शीतलापुर गांव में स्थित पूर्व सांसद के आवास पर पहुंची और उनकी करीब 3 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश चस्पा किया है। जानकारी के मुताबिक 4 थानों की प्लाटून पीएसी और पुलिस के साथ पहुंचे उपाधीक्षक कुंवर प्रताप सिंह और एसडीएम मंगलेश दुबे ने पूर्व सांसद आवास के सभी कमरों की वीडियोग्राफी करवाई और अंदर रखी वस्तुओं की सूची बनाई के साथ ही आवासीय परिसर की नाप की गई। बताया जा रहा है कि पूर्व सांसद की कोठी करीब 5 एकड़ के क्षेत्र में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि पूर्व सांसद रिजवान जहीर की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत की गई। गौरतलब है कि गैंगस्टर की टॉप 10 लिस्ट में सपा नेता का नाम शामिल है। जानकारी के मुताबिक एक शिकायतकर्ता महमूद ने पूर्व सांसद पर जमीन हड़पने का आरोप लगाते हुए शिकायत की, जिसकी जांच की जा रही है। पहले चरण में उनकी पत्नी सैयदा हुमा फातिमा और पूर्व सांसद के नाम पर अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्तियों को कुर्क किया गया है। उनकी जमीन को चिन्हित कर जांच की जाएगी और अगर अवैध कब्जा पाया गया तो बुलडोजर से उसे ध्वस्त किया जाएगा। फिलहाल जेल में बंद सांसद के आवास को सील कर दिया है। उन्होंने बताया कि कुर्क की गई संपत्ति की अनुमानित कीमत 3 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इस मामले में पूर्व सांसद के छोटे भाई सलमान जहीर ने कहा कि उन लोगों के कुर्की के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। वो अपने घर पर थे और तभी उन्हें इस बारे में जानकारी मिली। उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई राजनीतिक दुश्मनी के कारण की गई। इस मामले में पुलिस और राजस्व टीम ने दुगी मुनादी करवा कर कुर्की की कार्रवाई की थी। गौरतलब है कि पूर्व सांसद बेटी और दामाद के साथ जेल में बंद है। पूर्व सांसद रिजवान जहीर इस समय बेटी जेवा रिजवान के साथ समाजवादी पार्टी में। बाबा राज में एक बात तो साफ है, अगर आपने अपराध किया है तो भैया आप फिर बुलडोजर के कहर से नहीं बच सकते हैं। चाहे आप एक छोटे नेता हो या सांसद या फिर कोई रसूखदार, जेल तो जाना पड़ेगा। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।